नमस्कार, महाराष्ट्र में शाओ ऑनलाइन रोज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि 2,73,000 करोड़ रुपए एक झटके में कैसे भारत को मिले वापस आए। और सोनिया गांधी जहां पूरी कांग्रेस कमीशन खाया करती थी, 20,000 करोड़ का कमीशन अगर 2,73,000 करोड़ में खाया जाए तो साहब कैसा आपको लगेगा? वो कमीशन खोरी को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में वापस लेकर आए और कमीशन खोरों की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिए। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे, वीडियो के आखिर में देखना मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसी भी तरह से खाते खुलवाने, उसका एक क्रम में उन्होंने काम किया और आखिर में जा करके जो सारा का सारा जो ये गोरख धंधा था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का गोरख धंधा कैसे चंद महीनों में उनको खात्मा कर दिया है, उसका सबसे बड़ा ये वीडियो उस पर है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। जो लोग कहते हैं मेरे 15-15 लाख रुपए नहीं आए, उन 15-15 लाख रुपए मांगने वालों को गाल पर जो फर्जी मांगते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 15 लाख मारने वालों पर यह करारा तमाचा है। जनधन योजना जब सरकार खुलवा रही थी मोदी सरकार, तो कांग्रेस हंस रही थी। उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया गया। ऑनलाइन पेमेंट का बढ़ावा कैसे मिला है कोई ये बता सकता है? कांग्रेस बता सकती है? 2018-19 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री, बड़े पढ़े लिखे, संसद में बता रहे थे कि मोदी सरकार जो ये लोगों तक पहुंचाने की बात कर रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गांव में गरीबों तक, वो मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे क्या कोई सब्जी वाला, क्या कोई रेहड़ी वाला, ये 2018-19 की बात है, तीन चार साल पहले की, क्या ये लोग ऑनलाइन पेमेंट लेंगे? इसको मजाक उड़ाया गया था, संसद में मजाक उड़ाया गया था। लेकिन सोच, एक व्यक्ति की सोच है, वही सोच आगे बढ़ाती है और सोच प्लानिंग के तहत की गई थी। जनधन योजना का मजाक उड़ाने वालों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तुम्हारे 70 सालों में तुमने जो देश को लूटा है उसका एक एक पाई का हिसाब सरकार तो ना करे, क्योंकि सरकार शायद राजनीतिक तरीके से बंधी हुई है, लेकिन जनता तुम्हारे एक एक पैसों का हिसाब लेगी और तुम्हारी हालत वो करेगी कि आने वाले वक्त में शायद तुम्हारे लिए भी गरीबी रेखा के नीचे दिन गुजारने पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके एक दिन के ही खर्चे करोड़ों रुपए हैं, तो गरीबी रेखा के नीचे अगर इनकी इनकम नहीं आएगी, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सरकारें इनकी चली जाएंगी राज्यों से भी, तो इनका हालत वही होगा कि ये भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं जनधन योजना। जनधन योजना लाई सरकार, नोटबंदी लाई सरकार, उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग योजनाओं में डायरेक्ट बैंकों से आपके पैसे गए। ऐसे गए, अगर आपका अकाउंट ही नहीं खुला होता, आपके आधार को बैंक से लिंक नहीं किया गया होता, तो आपके पैसे कैसे आते? अगर जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो बढ़े हैं, अगर बैंक अकाउंट नहीं खुलते तो एक रेहड़ी लगाने वाला एक छोटा मोटा व्यक्ति आखिर कैसे वो पेमेंट करता? आखिर आम व्यक्ति जो फोन लेके जाता वो पेमेंट कैसे करता? जनधन योजना में 30 करोड़ खाते खोले चुके थे। सरकारी योजना में सब्सिडियों के बिचौलियों को हाथ से दी जाने के बजाय सीधे लाभार्थियों तक खाते से पैसे पहुंचे हैं। कर बचाने में मददगार देश के साथ कर संधियों को संशोधन, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों के साथ संबंधी समझौता करके सूचनाओं को प्राप्त करने का रास्ता सुगम कर लिया गया। उसके बाद नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम 8 नवंबर 2016 को उठाया। नोटबंदी के जरिए कालेधन के स्रोत का पता चला। लगभग 3 लाख ऐसी सेल कंपनियां थी जिनको कालेधन के कारोबार करती थी। इनमें से लगभग 2 लाख कंपनियों को एक लाख से अधिक निवेशकों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की गई। बेनामी लेन देन रोकथाम संशोधन कानून जो था, नोटबंदी के बाद सरकार के पास बेनामी संपत्तियों के
बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी और बेनामी लेनदेन रोकथाम संशोधन कानून जिसे सालों से कांग्रेस लटकाए रखा था उसे लागू करके संपत्तियों के खिलाफ जांच चल रही है। फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीबीआई ने छद्म कंपनियों के माध्यम से कालेधनों को सफेद करने वाले कई गिरोह का भंडाफोड़ किया। देश में करीब 3 लाख से अधिक कंपनियों को जिनके आय व्यय का ब्यौरा नहीं था, इनके ज्यादातर कंपनियां नेताओं और व्यापारियों के कालेधन का सफेद करना काम था। रियल एस्टेट कारोबार में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक कैश के लेन देन पर जुर्माना रियल एस्टेट के कालेधन का निवेश सबसे अधिक होता था। पहले सरकारें इसके बारे में जानती थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती थी। इस कानून के लागू होते ही रियल एस्टेट के लगाने वाले कालेधन पर रोक लगाई गई। राजनीतिक चंदा जो था वो 2,000 रुपए से ज्यादा कैश आप नहीं ले सकते, इस पर पाबंदी लगाई गई। इसके लिए बॉन्ड का प्रावधान किया गया। स्रोत कर संग्रह जो कि 2 लाख रुपए जो आपको बता दें से अधिक कैश लेनदेन पर रोक लगा दी गई। इससे ऊपर लेनदेन पर चेक ड्राफ्ट या ऑनलाइन ही ले सकते हैं। आधार को पैन से जोड़ा गया कालेधन पर लगाम के लिए, जब ये बहुत बड़ा अचूक कदम था। यह निर्णय छोटे स्तर पर भ्रष्टाचारियों को भी नकेल कसने काफी कारगर साबित हुआ। सब्सिडी में भ्रष्टाचार पर नकेल, गैस सब्सिडी को सीधे बैंक खातों में देकर मोदी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए घोटालों को खत्म कर दिया। इसी तरह राशन कार्ड से मिलने वाली खाद्य सब्सिडी को 30 जून 2017 के बाद सीधे खाते में हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर बचत की जा रही है। इससे निचले स्तर पर चल रही भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने की कामयाबी पाई गई। ऑनलाइन सरकारी खरीद जो थी वो मोदी सरकार ने सभी सरकारी विभागों सामानों की खरीद की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू कर दी गई। इसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ी और खरीदों में होने वाले घोटालों पर रोक लगी। प्राकृतिक संसाधनों की ऑनलाइन नीलामी करने की बात की गई। जी हाँ, मोदी सरकार ने सभी प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी वजह से पारदर्शिता बढ़ी और घोटाले रुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान हुए कोयला स्पेक्ट्रम जैसे नीलामी जैसे घोटालों में भी देश का इतना खजाना लूटा गया था कि देश के 7-8 शहरों के लिए बुलेट ट्रेन चलवाई जा सकती है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए जैसे जियो टैगिंग सड़कों, शौचालय भवनों या ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सभी निर्माण को जियो टैगिंग कर दी गई। इसकी वजह से धन के पूरी खर्च निगरानी उस पर रखी गई। इन कदमों के साथ ही सरकार ने दशकों से चली आ रही जाल फीताशाही और भ्रष्टाचार से लिप्त कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया। सरकारी योजनाओं में दूरदर्शिता, समयबद्धता के साथ पारदर्शिता भी स्पष्ट रूप से यहां पर दिखने लगी है। तो आज जो कांग्रेस का कट लगता था ना, वो कट अब खत्म हो गया है और उस कट के द्वारा ये बौखलाए हुए हैं। आम जनमानस को काले धन पे चिल्लाते हैं, एक दो जो कनाट प्रेस पर, आज कनाट प्रेस की हालत आपको बता दें, कनाट प्रेस पर आप जब जाएंगे, राजीव चौक पर जाएंगे तो वहाँ यूट्यूबर अपना माइक लेकर घूमते रहते हैं और वहाँ 4-5, 10-20 लोग मिलेंगे। वो 10-20 क्या करते हैं, उनका काम ही होता माइक पर बोलना, और जो माइक पर बोलता है वो उन्हें 400-500 हज़ार रुपये दे करके वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका काम ही यही काम होता है कि वो सरकार के खिलाफ जितना ज़्यादा आग उगल सकते हैं वो आग उगलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब वहां पर बैठकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। और ये प्रोपेगेंडा सीधे तौर पर देश के लिए बड़ा घातक है। ये लोग कहते हैं काले धन से, नोटबंदी से आम जनमानस को नुकसान हुआ, आम लोगों को नुकसान हुआ, गरीब को नुकसान हुआ, नोटबंदी से गरीब को नुकसान हुआ। ये सवाल बड़ा ही अजीब लगता है, नोटबंदी से किस गरीब के पास 500,000 के लाखों रुपए घर में रखे हुए थे? मुझे लगता नहीं कोई गरीब 500,000 के 2-4, 10 या 15 लाख रुपए घर में रखा रहा होगा। लेकिन जो अमीर थे, रियल एस्टेट के कारोबारी थे, उनके घरों में 500,000 की नोटें जो थी वो नोट को काउंट नहीं करते थे, उनके घर में पूरी तरह से गड्डियों में भरे होते थे और वो उनको इंची टेप से नापते थे पैसों को। ये हालात थे और जब नोटबंदी आई उन पैसों को इस तरह से उन लोगों ने ठिकाने लगाया, बोरियों बोरियों भर भर के नालियों में फेंके, क्या क्या किया सब जानते हैं। क्या आम गरीब का पैसा लगा? बैंकों में जो लाइनें लगी थी, बड़े बड़े शहरों में बैंकों में लाइनें जो लगी थी वो लाइनें किसकी थी? वो आम गरीबों की लाइनें नहीं थी। आम गरीबों को अमीरों ने लाइन में लगाया हुआ था। 2-2 हज़ार रुपए की नोट पर, 2-2 हज़ार रुपए पे 100-100 रुपए कमीशन दे करके उनको लाइन में खड़ा किया गया था, दिन भर में 200-200 रुपए दे करके।
बात करते हैं कि नोटबंदी से आम लोगों को नुकसान पहुंचा। जो फर्जी चमचागिरी करते हैं उनके लिए करार तमाचा है कांग्रेस शासित। आपको बता दें भारत 60 वर्ष तक भारत कल्याण वितरण पैटर्न जो था वो नौकरशाही की आड़ में संचालित किया जाता था। आधार को बैंक खातों से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर मोदी सरकार को जोर देने से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आई। फर्जी राशन कार्डों की पहचान तेजी से कम होकर रहे हैं और नौकरशाही भ्रष्टाचार की एक कड़ी मात्रा बन गई है। नौकरशाही भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने देश के सच्चे कल्याण चाहने वालों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। तकनीकी हस्तक्षेप के उपयुक्त उपयोग के परिणाम स्वरूप देश में 4,82,000 करोड़ फर्जी, जी हाँ 4,82,000 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। 1,86,000 करोड़ फर्जी किसानों का पर्दाफाश किया गया। 5 करोड़ मनरेगा फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए। विभिन्न सरकारी योजनाओं से 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए गए और 2.96 लाख फर्जी कंपनियों पर ताला लगाया गया। ये वो नाम थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, ये देश का खजाना लूटने का बहाना बना बन गए थे। मोदी सरकार ने इन सब पर लगाम लगाया और देश के खजाने के बंदरबाट को कम किया और बंद किया उसे। इसके जरिए देश में जो 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाया गया और ये पैसा नाश जो है राष्ट्र निर्माण में लगा है। 4.28 करोड़ फर्जी राशन कार्ड इस राज्य में मिला। सबसे ज्यादा जो फर्जी, आपको बता दें केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के जरिए हो रही धांधली पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से 4.39 करोड़ फर्जी राशन को रद्द किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA के तहत यह कार्य किया। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों या परिवारों को नियमित तौर पर नए राशन कार्ड जारी किए गए। दरअसल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसके परिचालन में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए कई कदम उठाए गए। राशन कार्डों को और लाभार्थियों के डेटाबेस जो है को डिजिटाइजेशन करना, राशन को आधार से जोड़ना, अपात्र या फर्जी राशन कार्डों का पहचान करना, डिजिटाइजेशन किए गए डाटा के दोहराव को रोकना और लाभार्थियों को दूसरे जगह चले जाने या मौत हो जाने के मामलों की पहचान करने के लिए फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने 2013 से 2020 तक जो अवधि थी उसमें देश के कुल 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया। केवल पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल किए गए। जहां पश्चिम बंगाल में जहां रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने राशन कार्ड फर्जी दिलवा करके और बांग्लादेश से मुसलमानों को बुला बुलाकर रोहिंग्याओं को बुलाकर बसाती थी, ये पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड के नाम पर वे फर्जी बड़ा हुआ। राज्य में फर्जी राशन कार्डों की पहचान का काम शुरू किया गया तो करीब 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। फर्जी राशन कार्ड रद्द करने के लिए प्रतिसाल सरकार प्रतिवर्ष बात करें तो प्रतिवर्ष सरकार को 3600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। डिजिटल राशन कार्ड के आने के बाद राज्य में राशन कार्ड की कुल संख्या करीब 10.70 करोड़ थी। राज्य में राशन कार्डों की संख्या अब लगभग 8.78 करोड़ रुपए जो हैं वो बचे हैं। उससे करीब 2 करोड़ फर्जी राशन का पता चला है जिसे सरकार की ओर से रद्द कर दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ कार्ड का मासिक शुल्क राज्य के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की बचत होगी, यानी करीब 3600 करोड़ रुपए सालाना रुपए जहां सरकार बचत कर रही है। 5 करोड़ फर्जी मनरेगा कार्ड, जी हां सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा में भी बड़े स्तर पर धांधली कांग्रेस कर रही थी। काफी अधिक संख्या में लोग फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा का फायदा उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हुई। सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए मनरेगा के 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड को रद्द कर दिया। काफी संख्या के लोगों ने फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड इसमें बनवा लिए थे। साथ ही कई मनरेगा लाभार्थियों की मौत भी हो चुकी थी।
ऐसे में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारकों के साथ साथ मर चुके लाभार्थियों के नाम पर भी फाइनेंसिंग जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मनरेगा की लिस्ट से उनको हटा दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 5,18,91,168 थी। पिछले वित्तीय वर्ष में आप बात करें, ऐसे जॉब कार्ड धारकों की संख्या 1,49,51,247 थी। खास बात यह है कि सबसे अधिक जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कैंसिल किए गए हैं। ये कहां किस कौन कौन किस किस की सरकारें आप समझ लीजिए। 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन जो है फर्जी कनेक्शन थे जिनको रद्द किए गए हैं। जी हाँ, मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही फर्जी LPG कनेक्शन पर कार्रवाई शुरू कर दी और 2 साल के भीतर 2016 में 3.5 करोड़ के फर्जी LPG कनेक्शन रद्द किए गए। इसमें 2 साल में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचाई गई। बोगस कनेक्शन रद्द किए गए। कमर्शियल यूज करने वाले सिलेंडर को 39% जो है वृद्धि की हुई। 1.86 करोड़ फर्जी किसानों का भी यहाँ पर पर्दाफाश किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हजारों खाते में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन सरकार की 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों के डेटा को क्लीन करने के लिए जैसे ही आधार से लिंक करने वाला 4th डिजिटल फिल्टर आजमाया तो लाभार्थी किसानों की संख्या पिछले 6 महीनों में 1.86 करोड़ कम हो गई। 11वीं किस्त में इस योजना का लाभ 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला, जो कि 12वीं किस्त में घटकर 8.58 करोड़ रह गए। उत्तर प्रदेश में इस चौथे फिल्टर के चलते 58 लाख किसान कम हो गए, जबकि पंजाब में संख्या 17 लाख से घटकर 2 लाख पहुंच गई। 5 राज्य ऐसे हैं जहां की यह संख्या 10 से 15 लाख घटी है, जबकि इतने ही राज्यों में लाभार्थी बढ़े हैं। दरअसल कृषि मंत्रालय ने किसानों के डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए 3 फिल्टर पहले से लगाए थे, फिर आधार लिंक पेमेंट के रूप में 4th फिल्टर लगाया तो लाभार्थियों की संख्या घटती गई। योजना में पारदर्शिता और पात्रों की पहचान करने के लिए किसानों को EKYC लागू कर दिया गया और आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए भुगतान यहां पर किया जा रहा था। किसानों की संख्या कम होते देख केंद्र ने राज्य के साथ मिलकर गांव-गांव में टीम भेजने को कहा, ताकि असली हकदार के स्कीम से बाहर ना हो सके। केंद्र ने मोदी सरकार के पिछले कुछ सालों में लाखों कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटाया है। अनुपालन में आपको बता दें, कमी के कारण 3.96 लाख लगभग 4 लाख फर्जी कंपनियों को बंद किया गया है। कंपनियां कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पिछले वर्ष में 3.96 लाख से अधिक कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। दोपहर में जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 12,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जबलपुर में पीएम ने कहा था कि 2014 से पहले कांग्रेस के घोटालों की हेडलाइन बनती थी, हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का अभियान छेड़ा। 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए ताकि सही लोगों को पैसा पहुंच सके। ये वो नाम थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। ये दफ्तरों से खजाने लूटने का बहाना बन गया था। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने को बर्दाश्त, किसी को बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई ऐसी है जिसमें कोई समझौता नहीं किया सकता है। इसमें कोई पकड़ा जाए वही वह बचेगा नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया था। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति 0 टॉलरेंस की, इसके लिए उन्होंने कई जरूरी कदम उठाए। काले धन के खिलाफ SIT का गठन किया गया, नोटबंदी और GST जैसा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई निर्णय लिए गए, जिसमें जनधन योजना, लोग समझते थे जनधन योजना, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई। पहले जनधन योजना खुलवाई गई। जनधन योजना खुलवाने के बाद काला धन को बैन लगाया गया, यानी कि जिसको लेकर के नोटबंदी की गई। जब नोटबंदी की गई तो जो जनधन योजना था, जिन लोगों के पास पैसे थे वो पैसे बैंक अकाउंट में गए। उसके बाद एक के बाद एक चीजें स्टेप बाय स्टेप करते रहे। जनधन योजना जब खुलवाया तो आखिरकार जनधन योजना से आखिरकार क्या कुछ हुआ,
जब मनरेगा को कनेक्ट किया गया आधार कार्ड से, बाकी चीजों को आधार कार्ड से जब कनेक्ट किया गया तो सीधा पैसा उनके खाते में जाना चाहिए डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए। जो सब्सिडी मिलनी थी वो भी डायरेक्ट बैंक खातों के जरिए मिली, किसानों को जो पैसा मिलना था वो डायरेक्ट बैंक खातों के जरिए मिली। ऐसे में वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, नीचे हमारे नंबर्स दिए गए, अगर आपको लगता है कि हम अच्छी खबर और वीडियोस आ रहे हैं तो आप हमें गूगल पे और पेटीएम के जरिए हमें सहायता राशि भेज सकते हैं। बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।